नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आपका चैनल, आपकी आवाज, एमबी न्यूज 27। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। फॉरमेशन अंचलाधिकारी संजीव कुमार द्वारा लोक शिकायत निवारण तहत सोमवार को हरिपुर वार्ड संख्या 5 स्थित पर्चा की जमीन को खाली कराकर उस पर पर्चाधारी का दखल कब्जा कराया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी आदेशानुसार विधि समेत पर्चाधारी मोतीदास का 2 डिसमिल जमीन को दखल देहानी के तहत कब्जा कराया गया, जिस पर उसके पड़ोसी नीरज दास पिता कदमलाल दास ने जबरन कब्जा कर 3 का झपड़ी बना रखा था। मामले में मोतीदास के आवेदन के आलोक में दखल देहानी वाद चलाया गया। बाद में आए फैसले के आलोक में उसे खाली करने के लिए विपक्षी को नोटिस भेजा गया, परंतु विपक्षी द्वारा जमीन खाली नहीं किए जाने पर दखल कब्जा की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इधर विपक्षी ने दखल देहानी की इस कार्रवाई को विधि के विरुद्ध बताया है। उन्होंने बताया कि वाद के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया और एक पक्षीय कार्रवाई की गई। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ संजीव कुमार ने बताया कि भूमि पर कोई बात नहीं चल रहा है, अगर ऐसा होता तो दखल देहानी वाद के दौरान उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। सीओ ने उक्त कार्रवाई की पूरी तरह विधि समेत बताया है कि कार्रवाई में थानाध्यक्ष निर्मल कुमार आदवेंदु के अलावे भारी संख्या में पुलिसकर्मी व अंचल कर्मी के साथ ग्रामीण विभास चंद्र मेहता, अशोक मेहता, रामविलास शर्मा, महेंद्र दास, राजू मेहता आदि। मोतीदास को 82 पर्चा 5 डिसमिल का मिला था, 3 डिसमिल इनका, 2 डिसमिल उधारी के ही कब्जा में था। उसे प्रशासन द्वारा नापी करके उनको दखल दिला दिया गया है। इसी काम से हम लोग आए थे। अपने आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें एमबी न्यूज 27।